नमस्कार, हम बारा ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। कल हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में तीसरे सीरो सर्वे की शुरुआत की थी, जिसको लेकर आज अंबाला के स्वास्थ्य विभाग ने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में ये तय किया गया कि कितने लोगों को अंबाला में सीरो सर्वे के लिए टारगेट रखा गया है। बता दें कि अंबाला में 2400 लोगों को सीरो सर्वे के लिए टारगेट रखा गया है, जिसके लिए 60 समूह बनाए गए हैं। और क्या कुछ जानकारी सीएमओ कुलदीप सिंह ने दी, वो सुनवाते हैं आपको। अंबाला में आज से ही सीरो सर्वे शुरू कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारे को पहले एक वायल मिलने में दिक्कत आ रही थी, हमने कल वायल ले ली हैं। अंबाला का 2400 का टारगेट है, 60 क्लस्टर बनाए गए हैं अंबाला में और हर क्लस्टर में से 40 सैंपल उठाए जाएंगे और 6 साल से ऑनवर्ड हर क्लस्टर में हमने ये डिमार्केट किया है किन किन के सैंपल लिए जाएंगे और जिसका भी सैंपल लिया जाएगा उसकी GIS लोकेशन उसी में होगी, उसी टाइम पर कैद करनी पड़ेगी, घर का फोटो भी और जो उसका GIS लोकेशन होगी। ये नहीं होगा कि भी किसी बंदे का कहीं से भी सैंपल लेके हम सैंपल पूरा कर दें, कोई भी किसी भी तरह की फजिंग नहीं हो पाएगी इसमें। और सीरो सर्वे हम आने वाले 3 या 4 दिन में हम सैंपल जो 2400 सैंपल लेके जो कलाया टेस्ट के लिए CLIA टेस्ट के लिए हम उसको पंचकूला भेज देंगे। रिजल्ट विद इन 15 डेज कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला भी है, अगले 15 दिन के अंदर अंदर हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। अंबाला में होने वाले तीसरे सीरो सर्वे में 60% ग्रामीण तो वहीं 40% शहरी इलाकों से सैंपल एकत्रित किए जाएंगे, जिसके बाद 4 या 5 दिन में ये सैंपल एकत्रित करने के बाद 2 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बहरहाल, अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।